बच्चों यहाँ पे एक और पेपर हम ले रहे हैं, ठीक है। पेपर थर्ड है ये, और इसको भी एक बच्चे ने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या क्या गलतियाँ यहाँ पे की हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी ऑफ मास 1 kg ईच। फोर्स जो है 1 kg का बॉडी है, तो अर्थ और बॉडी के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो सभी को पता है mg फोर्स होता है। सो दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बच्चे ने एकदम करेक्ट लिखा, एक नंबर मिलेंगे। अ स्ट्रेस हैज़ अ डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ, अ स्ट्रेस जो होता है बेटा उसका जो डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है। तो बच्चे ने देखो यहाँ पे क्या लिख दिया है कि SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो डायमेंशन पूछा था, हालांकि देखो अगर आंसर हम देखें तो स्ट्रेस का और प्रेशर का दोनों का SI यूनिट और डायमेंशन सेम ही होगा, तो आंसर प्रेशर ही होगा। लेकिन अगर डायमेंशन आपसे पूछा था तो डायमेंशन हमें यहाँ पे मेंशन करना था, ठीक है। हालांकि दोनों का डायमेंशन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। थर्ड में है, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स हैज यूनिफॉर्म, अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो यूनिफॉर्म क्या होता है, तो लीनियर एक्सेलेरेशन, करेक्ट लिखा है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चे ने सिर्फ लिख दिया है, अच्छा यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में लिखा हुआ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यस करेक्ट है, लिखा हुआ देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। द प्रेशर पी ऑफ एन आइडियल गैस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज, तो 3/2 के काइनेटिक एनर्जी होता है। नाउ नेक्स्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है बेटा वो सॉलिड में जो होता है मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेज में सबसे कम होता है, तो कौन सा आंसर होगा, स्टील। इसके बाद है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट में द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइटोमिक गैस इज, ट्राइटोमिक गैस जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना होता है, ट्राइटोमिक का 6 या 7 हो सकता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो 0.007 दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम एट, काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो मीन पोजीशन पे होता है, लिखा है बेटा ने मीन पॉइंट या मीन पोजीशन हम बोलते हैं, पॉइंट नहीं बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं, देखो लिखा हुआ अभी ये पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे। नेक्स्ट देखें सेक्शन बी का, सेक्शन बी में है बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो सेक्शन बी में है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ न्यून एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया, इसमें ये चेंज था क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना था आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस, तो बच्चे ने देखो वही किया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये पेपर दूसरा मेरे पास आ गया है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन चेंज है इसमें। इसमें डिफरेंस था स्पीड का और वेलोसिटी का, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो देखो बच्चे ने किया है स्पीड ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, बहुत अच्छा लिखा है इसको, 2 में 2 नंबर इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछा है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, पहले इसने ए और बी का देखो इधर मैग्नीट्यूड लिख दिया, इनटू कॉस ऑफ थीटा लिखा यहाँ पे, और इधर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद ये आंसर आया, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन को और इनइलास्टिक कोलिजन को आपको डिफाइन करना है। देखो इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन करेक्ट लिखा है बच्चे ने कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सभी को पता है। इनइलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन भी लिखा है पूरी तरह से, सो इसमें 2 नंबर इस बच्चे को यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मेकिंग 100 RPM अबाउट इट्स एक्सिस, सो यहाँ पे RPM आपको गिवन है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो रेवोल्यूशन पर मिनट को पहले हम रेवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे,
तो यहाँ पे देखो बच्चे ने किया है 100 RPM है इसको, इसने सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो जो रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना रेवोल्यूशन हो सकता है, तो एक सेकंड में जितना रेवोल्यूशन होता है बेटा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गया, मास आपको गिवन है, रेडियस आपको पता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन में होता है 1/2 I ω² होता है। सो डिस्क की बात किया तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। देखो वैल्यू पुट किया है ω², ओमेगा की वैल्यू ω = 2π × फ्रीक्वेंसी होता है, उसकी वैल्यू पुट किया, फाइनली इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट में है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन देखो, करेक्ट डेफिनेशन लिखा है कि कोई भी सैटेलाइट के जो है अर्थ के चारों तरफ जिस वेलोसिटी से रोटेट करता घूमता रहता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे तरीके से इसने मेंशन किया यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन भी बता दिया बच्चे ने, तो बहुत अच्छा लिखा है, दो नंबर मिलेंगे। स्टेट हुक्स लॉ हाउ विल यू एक्सप्रेस इन मैथमेटिकली, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, एंड सो दिस इज इक्वल टू 2 नंबर इसको पूरे मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से इसने मैथमेटिकली भी लिखा है और जो आपको डेफिनेशन पूछ रहा था डेफिनेशन भी इसने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हैंस डिफाइन टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसने डिफाइन किया है और उसके बाद टेम्परेचर को भी डिफाइन किया है इसने, तो पूरे अच्छे तरीके से लिखा है। हालांकि अगर इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप बना सकते हो, आपके पास अगर टाइम है, लगता है कि हमारे पास टाइम है, तो ये एक डायग्राम भी जो बेटा हमने बताया है आपको, बताया गया है जो आपको डायग्राम कि इस तरह से हम यहाँ पर बना देते हैं कि ये एडियाबेटिक बॉल होता है यहाँ पर, दिस इज़ द एडियाबेटिक बॉल, दिस इज़ द डायथर्मिक बॉल, जो डायग्राम बनाया था ना, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, तो ये डायग्राम भी अगर बना देते हैं आप तो फिर नंबर कटने के चांसेस एकदम से जीरो हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे नंबर आपके किसी कीमत पे नहीं कटेंगे। नाउ नेक्स्ट में है डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो डिफाइन किया है बड़े अच्छे तरीके से, एंड मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है F=3n-k उसको भी एक्सप्लेन किया है, एंड डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग, तो पूरे अच्छे तरीके से लिखा है इसमें, इसमें 2 नंबर इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। उसके बाद है व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो दोनों को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया है कि रिवर्सिबल क्या होता है, एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाई वेरिएशन इन इट्स कंडीशन सच दैट एनी चेंज अकरिंग एनी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिवर्स, तो पूरा इसने बताया है। इसके बाद ये भी बताया कि एग्जाम्पल क्या है, इनफाइनेटिसिमली स्लो प्रोसेस, ई रिवर्सिबल प्रोसेस को भी बताया है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज वगैरह बता रखा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप जो भी देखते हैं बेटा वो सारे ई रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत मुश्किल से होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है, जो इनफाइनेटिसिमली स्लो प्रोसेस जो होता है वही रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बच्चे को पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन सी में हम देखें तो डिफाइन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्कस हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद अल्टीट्यूड। तो सबसे पहले उसने डेफिनेशन वगैरह लिखा है, उसके बाद एक्सप्लेन किया है, डायग्राम बहुत अच्छा बना रखा है बच्चे ने, ठीक है, और पूरी तरह अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया, इसको पूरे के पूरे 3 नंबर इसमें मिलेंगे बेटा। उसके बाद है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी का आपको डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसने देखो बेटा यहाँ पे गलत कर दिया, इसको डायग्राम यहाँ पे मेंशन करना था, तो दिस इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा हो जाता है यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाता है mg cos थीटा हो जाता, यहाँ पे ये कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा होता, लिखा हालांकि है इसने कि F=-mg, वही लिखा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है F=-mg sin थीटा, और mg और थीटा sin थीटा की वैल्यू इसने पुट किया, sin थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो थीटा sin थीटा इज रिप्लेस बाय थीटा, एंड थीटा इज़ टू l अपॉन कार करके x/l लिखा है, लेकिन इसने डायग्राम यहाँ पे गलत बनाया था, ठीक है, तो इसमें इसको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे बट हालांकि इसका टाइम पीरियड सही आया है, फ्रीक्वेंसी भी करेक्ट लिखा है इसने, लेकिन इसने डायग्राम गलत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन P/A/V² यह बेटा P+A/V² है इनटू V-B, ठीक है,
तो इसमें बेटा सबसे पहले इसने देखो बताया है कि बी जो है वो भी के बराबर है। भी क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन है एल क्यूब होता है बेटा। सो दिस इज कल टू बी इज कल टू एल क्यूब हो गया। और प्रेशर जो है ए अपॉन, क्योंकि प्रेशर का डायमेंशन और ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा सेम होगा, तो ए अपॉन वी स्क्वायर इज कल टू प्रेशर इक्वेट कर दिया है। और यहाँ से प्रेशर का भी डायमेंशन इसने निकाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसको पूरे 3 नंबर इसमें मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 14, डेराइव काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम। पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इसने वर्क डन वगैरह, ठीक है। एंड इसके बाद इसने इंटीग्रेट करके पूरे वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है बेटा, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पूरे अच्छे तरीके से इसने दिखाया। इसको पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसने कर रखा है पूरा। इसमें आप थोड़ा सा डायग्राम अगर बनाना चाहें इसमें, ठीक है, कि एक मास है यहाँ पे, इस पे फोर्स लगा है एफ, ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हैं अगर दिखाने का मन है तो, ठीक है। मास एम है, वेलोसिटी वी हो गया, तो इस तरह से आप डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए। नहीं बनाना चाहते हैं तब पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर डायग्राम नहीं भी बनाते हो और एक्सप्रेशन जितना इस बच्चे ने लिखा है उतना अगर लिख देते हो बेटा, तो आपको 3 के 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड पर्पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बोर्ड में, रेडियस ऑफ जायरेशन है एंड सम फार्मूला है, ठीक है, सम फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जब फार्मूला हम पढ़ते हैं बेटा तो वहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन में यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, सही लिखा है। अगर आप इसमें चलो डायग्राम की ज़रूरत नहीं, हालांकि 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है 3 नंबर में, अगर बाई चांस आ जाता है ये 3 नंबर में, ठीक है, हालांकि मेंशन नहीं है, पिछले साल वाला सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ना है। इस साल वाले सिलेबस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेंशन नहीं किया है, तो आने के चांसेस इसमें नहीं है। हालांकि यहाँ पर डल गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो आने के चांसेस नहीं है बेटा। लेकिन अगर आता है तो ये डेफिनेशन के साथ में इसमें थोड़ा सा डायग्राम भी है अगर नोट्स में देखेंगे तो, ठीक है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जेड एक्सिस, और यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन इसको बनाएंगे आप, दिस इज़ द वाई, दिस इज़ द एक्स एंड दिस इज़ द मास एम, ठीक है, ये आर है। तो ये डायग्राम बना हुआ है तो उसमें अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, हालाँकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो बच्चे ने अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। उसका लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन किया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें भी बेटा एक डायग्राम आप बनाएं, जरूर बनाएं यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में इतने शॉर्ट में आप जाने की कोशिश करेंगे बेटा तो नंबर आपको कम मिलेंगे। फिर यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, दिस इज़ द मास एम वन एंड दिस इज़ द मास एम टू, ये हो गया एम वन, ये हो गया एम टू एंड दिस इज़ कल टू आर, ठीक है। और ये डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश ना करें कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो आप ऐसे लिखने की कोशिश करें बेटा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो इससे क्या हो जाएगा, नाउ अब लिखेंगे कंबाइनिंग द इक्वेशन वन एंड टू, नाउ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब जो है बेटा एफ इक्वल टू के कांस्टेंट या फिर जी कांस्टेंट, दिस इज एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये लिखने से क्या होता है और डायग्राम बनाने से कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंथ भी होना चाहिए बेटा 3 नंबर के तरह का, ठीक है। तो लेंथ भी बनाने की आपको कोशिश करना है कि उस तरह का लेंथ आपका दिखे कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम एक पेज बच्चा लिख रहा है। तो ये आप करने की कोशिश करें बेटा ऐसे करने की, जैसे इस बच्चे ने नहीं किया यहाँ पे, तो इसको 2 नंबर दे करके या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 नंबर, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा बेटा,
कोई बढ़िया एग्जामिनर रह गया कि चलो जो बच्चे को नंबर दे देता है तो 2.5 नंबर दे देगा, अदरवाइज जो 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि डायग्राम भी नहीं है और एक्सप्रेशन भी इसने डायरेक्ट लिख दिया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r2, जबकि ऐसे लिखना चाहिए था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r2, फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना था कि कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐसे लिखना था बेटा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसमें इस बच्चे ने डायग्राम बनाया है, इसमें इस बच्चे ने डायग्राम पूरी तरीके से यहाँ पे इसने डायग्राम जो है बनाया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, राइट सिक्स पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो पूरा 6 पॉस्टुलेट इस बच्चे ने लिखा है, तो इसमें पूरे के पूरे इसको पॉस्टुलेट में कोई डायग्राम वगैरह नहीं है बेटा, तो पॉस्टुलेट में सिर्फ उसके जो पॉस्टुलेट हैं 6 पॉस्टुलेट वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं 3 नंबर में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में कई बार। एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल एट 0°C। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है, एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कितना होता है, टी होता है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम v1² / v2² इज इक्वल टू रूट अंडर, मतलब कि v1 / v2 अगर लिखेंगे तो रूट अंडर t1 / रूट अंडर कितना हो जाएगा, t2। स्क्वायर कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0°C पे, 0°C पे मतलब 273 केल्विन हो जाएगा, वेलोसिटी डबल हो जाएगा बेटा। तो टेम्परेचर हमें निकालना है, वैल्यू पुट किया है बच्चे ने, आंसर यहाँ पे लाया है, डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिया है, उसके बाद डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर दिया है। तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसको 3 के 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन अब लॉन्ग में आ गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ ये टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये किया है क्वेश्चन बच्चे ने, बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, इसका कंपोनेंट वगैरह लिया है, और कंपोनेंट वगैरह लेने के बाद मैक्सिमम हाइट को एक्सप्लेन किया पूरे अच्छे तरीके से, टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या क्या निकालना था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, तीनों निकालना है, ठीक है। तो देखो इसने पहले टाइम मैक्सिमम हाइट निकाला बहुत अच्छे तरीके से, आपने इसने यूज़ किया v² = u² + 2as का, उसके बाद इसने निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, उसके बाद इसने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, तो तीनों बहुत अच्छे तरीके से इसने निकाला है, और उसके बाद मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, एंगल कितने पर वो भी निकाला है, इसको इसमें 5 नंबर पूरे के पूरे इसमें मिलेंगे, कहीं कटने का सवाल नहीं होता है इसमें। इसको बच्चे ने इस क्वेश्चन को भी किया है यूजिंग कैलकुलस डेराइव v = u + at s = ut + ½at², ठीक है। हालांकि कैलकुलेशन मेथड जो है बेटा चांसेस कम है कैलकुलस के, ग्राफिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कैलकुलस इसलिए हम करा रहे हैं बेटा बार बार कि कैलकुलस भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बेटा आप अगर पहला चैप्टर देखोगे ना आप, जो सेकेंड चैप्टर में जब देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और उसी में है लॉज ऑफ ये काइनेमेटिक्स वाले सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कभी इंटीग्रेशन का यूज है बेटा यहाँ पे, तो इस तरह से कभी दे दे क्वेश्चन, और कश्मीर बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें दे रहा हूँ कि ग्राफिकल तो है ही इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल तो आना ही आना है, लेकिन ये इसलिए हम दे रहे हैं कि बेटा हो सकता है कभी दे दे, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन ये नहीं किया गया है कि ग्राफिक कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखो बच्चे ने एक्सप्लेन किया है रिकॉयल ऑफ गन वाले को, इसको तो पहले कंजर्वेशन का देखो बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए देखो गन वगैरह को भी बना करके लगता है K-47 बनाया है यहाँ पे, ठीक है। बुलेट वुलेट को पूरा निकाल करके दिखाया है इसने कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लीकेबल होता है रिकॉयल ऑफ गन में, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसको 5 के 5 पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे बच्चे को। नेक्स्ट में देखें हम, तो यहाँ पे है डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग रोड, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द व्हीकल कर्व रोड, ठीक है। डायग्राम बनाया है, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है बच्चे ने, देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया है कार का, इसके बाद mg लिया है, रिएक्शन फोर्स लिया है, बड़ा अच्छा डायग्राम है, बहुत क्लियर ऐसा डायग्राम रहता है बेटा, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो ज़्यादा फिर देखने नहीं जाता है अंदर क्या लिखा है बच्चे ने, सीधे नंबर बिठाता है वो फिर, कि बच्चे को आता है, नॉलेज है बच्चे को, ठीक है। तो डायग्राम बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा किया है इसने, एंड v = यहाँ पे फाइनली जो स्पीड है बेटा, जो मैक्सिमम स्पीड है v = √rg / tan θ + μ / 1 -
म्यू टैन थीटा इसने निकाला, इसमें 5 के 5 पूरे नंबर इसको इसमें मिलेंगे, कहीं नंबर कटने का चांस नहीं है। उसके बाद स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स डेराइव एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड डायमेंशन। स्टोक्स लॉ डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू किया है यहाँ पे देखो, ठीक है, कि स्टोक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी एंड रेडियस। अब पावर हमें नहीं पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का पावर क्या आ जाएगा, रेडियस का पावर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का पावर क्या आ जाएगा, तो सबका पावर ए बी सी लिया है यहाँ पे, इसको इक्वेट किया है, इक्वेट करने के बाद ए बी सी फाइंड किया और उसके बाद ये फोर्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें मिलेंगे क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है। स्टेट स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स डेराइव एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, पूरे पूरे 5 नंबर इसमें मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में है बेटा डिफाइन कैपिलरी फाइन एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ राइज इन कैपिलरी ट्यूब। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन डायग्राम वगैरह बनाया है इस बच्चे ने, ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया है प्रेशर वाले इससे, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू 2σ/r एंड आर अपॉन, ये देखो ये जो मेथड है बेटा, कई बच्चे इस तरह से मेथड से करते हैं प्रेशर वाला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट मेथड है, लेकिन और अगर आप अचीवर में देखोगे बेटा तो यही मेथड आपको मिलेगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आपको कि ये मेथड से आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है, इस मेथड ये थोड़ा सा आसान पड़ता है इसलिए बच्चे करते हैं, ठीक है, मैं बार बार उनको कहता हूँ कि इस मेथड से आप तो करते हैं तो नंबर मिल सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा आपको ट्राई ये करना है बेटा कि जो हम मेथड यूज करते थे कि इस तरह से है, ठीक है, ये बीकर है हमारा, यहाँ पे दिस इज़ द सरफेस टेंशन, इधर लग गया सरफेस टेंशन, इधर भी सरफेस टेंशन, इसका रिएक्शन इधर, एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट एंगल, यहाँ पे ये होता था कॉन्टैक्ट एंगल, तो ये होता था थीटा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो इसका न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये सिग्मा, इसका कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट दिस इज सिग्मा साइन थीटा, और हम ये दिखाते थे कि सिग्मा कॉस थीटा हमेशा हर एक पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, और जो हम कहते थे डेराइव करते थे इक्वेशन, इस तरीके से आपको डेराइव करना है। ये जो मेथड है बेटा, ये जो किया हुआ बच्चे ने, इसमें नंबर मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, लेकिन वो मेथड जो है बेटा ज़्यादा आपका एक तो लेंथ भी बढ़ाएगा, 5 नंबर में लगेगा भी कि हाँ बच्चे को बड़ा अच्छा नॉलेज है, क्योंकि इसमें बेटा उतने नंबर मिलने के चांसेस थोड़े से, हो सकता है आधा नंबर कहीं पे काट दे, ठीक है, इसलिए दूसरे मेथड वाला जो है उसको यूज करना है आपको।